नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं आपके साथ राजेंद्र देव। जोशीमठ आपदा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। लोगों के आंदोलन में आहिस्ता और लेफ्ट का हाथ है, महेंद्र भट्ट ये बात कह रहे हैं। जी, वामपंथी दलों की धार्मिक चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश है। एनटीपीसी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को प्रभावित करने की साजिश है। एनटीपीसी की टनल के कारण जोशीमठ धसने के सबूत नहीं है, ये कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। और ये बहुत बड़ा बयान, ये बड़ा राजनीतिक बयान उन्होंने दिया है जोशीमठ आपदा पर। वो ये कह रहे हैं कि लोगों के आंदोलन में लेफ्ट के संगठनों का हाथ है। देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और मैं कह सकता जहाँ सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद, महेंद्र भट्ट बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और ये और इस तरह की बात इससे पहले आपदा के सामने आने के बाद हमने अब तक नहीं सुनी। क्या आधार है उनकी बात के पीछे, क्या वो और कह रहे हैं साथ में, इस बारे में कोई जानकारी या भाजपा के नेताओं ने कुछ और कहा हो इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, ये बहुत बड़ा बयान है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। और अगर सबसे महत्वपूर्ण ये इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि पूर्व में बद्रीनाथ से वो विधायक भी रहे, यानी स्थानीय व्यक्ति भी उनको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके का बयान महेंद्र भट्ट ने दिया है कि जो जोशीमठ जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है, आजकल आपदाओं की वजह से वो मार झेल रहा है, उसमें वामपंथी और ऐसा जो एक स्टूडेंट फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उनके द्वारा कुछ ऐसे इनपुट महेंद्र भट्ट के पास में है कि वो वहाँ का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने बयान दिया है तो जरूर बिल्कुल चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वामपंथी और जो छात्र संगठन है जो गलत माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं, इस तरीके का इनपुट प्रदेश अध्यक्ष के पास में है। लेकिन ये बड़ी बात है कि पूरी तरीके से अब जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई हुई है, लगातार लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, लेकिन दरारें जो है उनका थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिक्कतें लोगों के सामने वहां पर जरूर है, लेकिन अब महेंद्र भट्ट का ये बयान जरूर राजनीतिक गलियारों का विषय बना हुआ है कि जोशीमठ और जो यात्रा चारधाम यात्रा है जी, उसको लेकर कहीं ना कहीं वामपंथी हो या छात्र संगठन, वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके का इनपुट प्रदेश अध्यक्ष के पास में है। लेकिन अभी दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जोशीमठ में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वहीं एक तरफ वामपंथी और छात्र संगठन से जुड़े कुछ ऐसे इनपुट प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पास में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनपुट उनके पास में जरूर होगा कि जोशीमठ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, ठीक है विनोद, उनका सारा बयान हमने देखा और सुना, निश्चित रूप से उनका बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय होगा ही। बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी अपडेट, सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऐसे ही नरेश सिंह, SS यादव, सुजीत, संतोष वर्मा पर केस दर्ज हुआ है और सलीम नाम के शख्स पर भी केस दर्ज हुआ है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बताए जा रहे हैं सारे आरोपी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सनातन सिंह लवी ने यह मुकदमे दर्ज करवाए। आइए आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है। रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में केस दर्ज किए गए। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और लखनऊ के PGI थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में यह FIR दर्ज की गई है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सनातन सिंह लवी की शिकायत पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है, जिसके तमाम डिटेल्स अभी हमने आपके सामने रखे।
और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से, रामचरितमानस की कॉपी जलाने के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीजीआई पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 10 लोगों पर केस दर्ज हो गया। धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं पुलिस के द्वारा, और 10 में से 5 आरोपियों को पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, और इन 10 में से 5 लोगों को पीजीआई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की पीजीआई थाने की पुलिस ने 10 में से 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। श्री रामचरितमानस की पत्तियों को जलाया, इससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची तथा समाज के भिन्न वर्गों में परस्पर विद्वेष और एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री सतनाम सिंह द्वारा थाना पीजीआई पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसी बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट सामने आ गया है। एक धाम के बाबा पर हमला बोला है ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लिखते हैं, आप कैसे बाबा हैं, सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं, श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे, 21 लाख रुपए भी बस्ता और असली चेहरा भी बेनकाब न होता। ये ताजा आक्रमण स्वामी प्रसाद मौर्य का, पूरा कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये रहा, लिखते हैं, हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं, श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद में सपा के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने बयान दिया है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना ठीक नहीं है। ये उनका कहना है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ये सपा के सांसद डॉक्टर एस टी हसन कह रहे हैं, लेकिन FIR दर्ज हुई है उन्हीं के पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य 10 लोगों पर। ये गलत है, किसी भी धर्म ग्रंथ की वो जलानी नहीं चाहिए, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। एक और बड़ी अपडेट, जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी को गोली मारे जाने की खबर मिल रही है। बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी हैं और विधानसभा चुनाव में लकी यादव के साथ इस व्यक्ति ने चुनाव प्रचार किया था। सपा का सक्रिय सदस्य है शैलेश यादव को गोली मारी गई है। लाइन बाजार थाना इलाके के चांदपुर बालू मंडी में यह गोली मारी गई है। मंडी में बालू कारोबार से जुड़ा है शैलेश यादव। मौके से लेकर जिला अस्पताल तक पुलिस की छावनी बनी हुई दिखाई दे रही है। खुद जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं विधायक लकी यादव। बड़ी अपडेट, लकी यादव के करीबी को जौनपुर में गोली मारी गई है। नाम शैलेश यादव, बाइक पर सवार थे बदमाश, 3 गोलियां मारी गई हैं। एक और बड़ी अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर मतदान कराया जा रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा, जबकि वोटों की गिनती 1 फरवरी से शुरू होगी। मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में खासा जोश है। ज्यादातर बूथ पर वोटर्स की लंबी लाइन लगी हुई है और ज्यादातर पदों पर इस बार बहुकोणीय और नजदीकी मुकाबला भी हो रहा है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई। बहुत उत्साह दिख रहा है, वोटर की संख्या हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, इसलिए हमारे यहाँ अच्छा उत्साह दिख रहा है, काफ़ी वोट पड़ चुके हैं अब तक। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए आप? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारे जो इलेक्शन अफसर हैं वो सब एग्जामिन कर रहे हैं, हम लोगों ने हर चीज़ बहुत अच्छे से की है, कुछ चीज़ें सीक्रेट है वो नहीं बताई जा सकती। अच्छा, कुल कितने लोगों की कमेटी जो है वो चुनाव करा रही है? 3 लोगों की कमेटी चुनाव करा रही है, हमारे साथ 2 लोग और हैं, महेंद्र बहादुर सिंह और वशिष्ठ तिवारी, 3 लोग मिलकर कुल चुनाव करा रहे हैं। काउंटिंग कब से होगी?
काउंटिंग अभी कल रेस्ट रहेगा, परसों से सॉर्टिंग शुरू होगी, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल, ये हैं अनिल भूषण जी जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। उन्होंने बताया है कि आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद कल रेस्ट रहेगा और परसों यानी 1 फरवरी को काउंटिंग शुरू होगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त हम उसी कैंपस में मौजूद हैं जहां पर मतदान चल रहा है। कुल 8501 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 28 प्रमुख पदों के लिए चुनाव हो रहा है और इन 28 पदों के लिए कुल 181 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जो चुनाव अधिकारी हैं शबाना, वो भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर? यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सब लोग अपने मतों का प्रयोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं है, सब सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। नहीं, उत्साह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये बार का चुनाव है हाईकोर्ट बार का, इसमें बहुत उत्साहित होकर मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, निष्पक्ष मतदान हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान संपन्न कराया जा रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद जो बैलेट बॉक्स हैं वो सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे और 2 दिन के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। सीक्वेंस वाइज एक एक कर जो है पदों के लिए वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे और जब सारे पदों पर नतीजे घोषित हो जाएंगे तब जा करके शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आइए आपको कुछ और जानकारियां दें बार एसोसिएशन के इस चुनाव के बारे में। बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए यह मतदान हो रहा है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे नई कार्यकारिणी के लिए और सीसीटीवी से इसकी निगरानी की जा रही है। 8501 मतदाता जो है इस कार्यकारिणी के लिए मतदान कर रहे हैं, 20 काउंटर्स पर वोट डाले जा रहे हैं। बार एसोसिएशन के लिए महिलाओं और सीनियर वकीलों को वोट डालने के लिए 2 अलग बूथ बनाए गए हैं। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी रंगीन फोटो भी है। वोटिंग के लिए वकीलों के लिए पहले उनको टोकन दिया जा रहा है, बार एसोसिएशन का पहचान पत्र होने पर ही उन्हें वोट डालने दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें इस वक्त प्रयागराज में हो रही हैं इस मतदान के दौरान और अब हम आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं और देखते हैं लाइव कि वहां पर मतदान कैसे चल रहा है और अब तक इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें क्या निकल कर सामने आई हैं। और ये सब बताने के लिए मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं। मोइन, बताएं क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर जो वकील हैं उनके अंदर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और जो अंतिम आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक अब तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हालांकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो 70 से 75% के आसपास तक जा सकता है। तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव हो रहा है, 20 बूथ बनाए गए हैं और कुल 28 पदों के लिए 181 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि 28 पद हैं लेकिन जो लोगों की दिलचस्पी है, लोगों की दिलचस्पी अध्यक्ष कौन होगा, महामंत्री कौन होगा, इसको लेकर के है। और अंतिम दौर में भी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जो भी वकील बूथों की तरफ जा रहे हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे वोट देने की गुजारिश की जा रही है। तो बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव होता है और माना यह जाता है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का पदाधिकारी होता है वो बार काउंसिल के पदाधिकारी के बराबर होता है और उसका एक अलग रसूख होता है। तो इसके लिए उम्मीदवार जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है और कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे के बाद जब मतदान खत्म होगा तो जो बैलेट बॉक्स होंगे वो सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे, कल रेस्ट रहेगा और परसों से वोटों की गिनती शुरू होगी। परसों यानी 1 फरवरी को सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं उनको मिक्स किया जाएगा, मिक्स करने के बाद फिर अलग अलग गड्डियां बनाई जाएंगी, फिर एक एक पदों के लिए काउंटिंग की जाएगी और काउंटिंग पूरी होने में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। हालांकि वकीलों में जो अधिवक्ता हैं उनमें जोश जबरदस्त है लेकिन इसके बावजूद कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मोइन, आपने कहा कि एक बड़ी रोचक जानकारी आपने दी कि यह मतगणना 1 हफ्ते तक चल सकती है, बहुत लंबी चलेगी अगर 1 हफ्ते तक की मतगणना चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में स्नातक और शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान चल रहा है, 5 सीटों पर 63 उम्मीदवारों के लिए मतदान किया जा रहा है।
शाम 4 बजे तक सभी जगहों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए कुल 39 जिलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त, जहां पर आप देख सकते हैं कि वोटर कैसे वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। हालांकि मतदान केंद्रों पर बहुत खास भीड़ नहीं है, लेकिन मतदान हो रहा है और शाम के 4 बजे तक होगा और काउंटिंग होगी 2 फरवरी को इन सभी सीटों के लिए। सभी 5 MLC सीटों के लिए काउंटिंग 2 फरवरी को होगी और उससे पहले मतदान की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, कानपुर में MLC चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग सेंटर पर जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, स्कूल में 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोट कास्ट करने वाले शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग कर रहे हैं। ये कानपुर की तस्वीर। एक एक करके जो मतदाता हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रिया आनंद श्रीवास्तव। अच्छा, आपने शिक्षक MLC सीट के लिए आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मुद्दे रहे आप लोगों के शिक्षकों के? देखिए, बीइंग अ टीचर एक OPS एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो शैक्षिक कार्यों से इतर अन्य कार्यों में लगा दी जाती है, जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। हमारा टीचिंग, हमारा व्यवस्था प्रभावित होती है उससे, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए ऊपर तक। जी, अब देखिए क्या होता है, अब क्या बताएं। मांग करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मैम विनय त्रिपाठी। आपने भी शिक्षक के लिए डाला है? यस सर। अच्छा, आप लोगों के क्या मुद्दे रहे? हम लोगों का सेम यही कि टीचर को टीचिंग के काम में लगाया जाए और अदर कार्यों में नहीं, क्योंकि उनका शिक्षक जो है शिक्षण का वो प्रभावित होता है उससे। ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो इन सब कामों पर ध्यान दे? और क्या मुद्दे रहे भाई साहब? तो स्नातकों का है, मतलब नौकरी का है, उनका सबका है, ये सब चीज़ें हैं जो इनके अंडर में आती हैं। भाई साफ सफाई तो ये उतना इनके में नहीं आता है, ये सब चीज़ें हैं, इस पर ही ध्यान दें थोड़ा। शिक्षक MLC के लिए आप? हाँ, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदाता घर से बाहर निकले हैं और अपने दिमाग में उन मुद्दों को भी लेकर के निकले हैं जिन मुद्दों पर अपने नए जनप्रतिनिधि को वो चुनने जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर बस्ती मंडल में स्नातक सीट के लिए मतदान जारी है। भाजपा जीत का दावा कर रही है। वोट डालने के बाद भाजपा के MLC और क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 5 सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। क्या लग रहा है, कितनी दमदारी के साथ आज आप लोग लग रहा है कि जीत हासिल करें? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में बहुत दमदारी से लड़ती है और आज हो रहे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह भारी मतों से चुनाव जीत कर जाएंगे, क्योंकि आम जनता ने, आम मतदाता ने, जो स्नातक मतदाता है, उन्होंने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मजबूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।